तो गाइस हमारे पेटेलग्राम चैनल पर थ्रोन ऑफ स्टील का एकदम पूरा नावल 30 जून तक खत्म हो जाएगा। तो जिस बंदे को भी ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है, और अगर नहीं होता है तो मैं आपको फ्री सब्सक्रिप्शन दे दूंगा। वह ऑफर इन्हीं के लिए वैलिड है जो इस टाइम पेटेलग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो लेडी वांगी वानी वान थी उसने द डिवाइन सोल सील में अपने सातों क्रिस्टल लगा दिए थे और उसने आत्मा मुक्ति बंधन नामक एक टेक्निक को परफॉर्म किया था, जिसके कारण वहां पर एक आकृति पैदा हुई थी और उस आकृति की पावर बहुत ही ज़्यादा भयानक थी। और इस आकृति को देख कर वहां पर जो कार होती है वह कहती है, ये तो एक भगवान का अवतरण टेक्निक है, भगवान का अवतरण, पर लेडी वांगी वानी वान इस टेक्निक को कैसे परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि इस टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए उस बंदे के पास हेवनली बॉडी होना चाहिए। तभी कायर जो होती है उसकी नज़र लेडी वांगी वानी वान की द डिवाइन सोल सील पर पड़ती और कायर समझ जाती है कि आखिर इस भगवान का अवतरण टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया गया था। दरअसल लेडी वांगी वानी वान ने उसके पास हेवनली बॉडी नहीं थी, लेकिन उसने अपनी द डिवाइन सोल सील्ड को ही हेवनली बॉडी का काम करवाया और अपनी पावर्स का उपयोग करके आत्मा मुक्ति बंधन नामक टेक्निक परफॉर्म की, जिसके कारण वहाँ पर यह भगवान का अवतरण टेक्निक परफॉर्म और यह आकृति पैदा हुई, जिसके हाथ में इस समय द डिवाइन सोल शील्ड थी और दूसरे हाथ में एक चमचमाती हुई तलवार। और वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और वहां पर जो कायर की टीम होती है वह इस आकृति को देखकर कहती है, इस आकृति की बहुत ही ज़्यादा भयानक पावर है, अगर इस टेक्निक का उपयोग लेडी वांगी वानी वान लॉन्ग हाउचेन या कायर की तरफ करती तो शायद ही वो लोग इसकी पावर का सामना कर पाते। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो थर्ड होली गार्ड होता है वो भी काफी ज्यादा शौक में था इस बंदे की पावर को देख। उस समय थर्ड होली गार्ड तो कांपने लगा था और जैसे ही वह आकृति आधे रास्ते पहुंचती है वह फिर से एकदम मिट्टी की ढेर बनकर धराशायी हो जाती है और लेडी वांगी वानी वान के मुंह से खून निकलने लगता है। दरअसल इस समय लेडी वांगी वानी वान के पास इस आकृति को कंट्रोल करने की पावर नहीं थी, पर फिर भी लेडी फिर से खड़ी होती है और कहती है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, अगर मैं आज हार मान जाऊंगी तो कैप्टन को बहुत ही बड़ा नुकसान हो सकता। दरअसल इस समय लेडी वांगी वानी वान लेवल 7 स्टेज 5 पर थी और इस समय उसने अपने डिवाइन सोल शील्ड में सातों क्रिस्टल लगा दिए थे। सातों क्रिस्टल लगा हुआ द डिवाइन सोल सील्ड को कंट्रोल करने के लिए लगभग लेवल 9 स्टेज 4 की पावर होनी चाहिए, लेकिन लेडी वांगी वानी वान की पावर काफ़ी ज़्यादा कमजोर थी। पर फिर भी लेडी वांगी वानी वान किसी तरह खड़ी होती है और कहती है, मैं ऐसे हार नहीं मान सकती, और लेडी वांगी वानी वान के चारों तरफ बहुत ही इंटेंस ऑरा होने लगता है। लेडी वांगी वानी वान की आंखों से एकदम बहुत ही तेज प्रकाश निकलने लगता है और उसके माथे से खून बने लगता है, पर फिर भी लेडी वांगी वानी वान अपना हाथ उठाती और कहती है, आत्मा मुक्ति बंधन फिर से परफॉर्म किया जाए। और अचानक से वह आकृति आधे रास्ते में फिर से खड़ी हो जाती है और इस बार आकृति सीधे उस थर्ड होली गार्ड के चक्रवात तक पहुंच जाती है और अपने एक तलवार के अटैक से उस थर्ड होली गार्ड के डोमेन और उस पूरे चक्रवात को एक ही अटैक में समाप्त कर देती है और वह आकृति फिर से खत्म हो जाती है। और हमें लेडी वांगी वानी वान की तरफ दिखाया जाता है जो फिर से गिरती है और तुरंत बेहोश हो जाती है। और कायर उस चक्रवात की तरफ देखती है, अभी भी थर्ड होली गार्ड एकदम अजीब से अवस्था में था और वह काफी ज्यादा शौक था। कायर कहती है, ये थर्ड होली गार्ड मारा नहीं क्या? तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है थर्ड होली गार्ड दो टुकड़ों में कटकर गिर गया था। दरअसल उस आकृति ने जब अपना तलवार थर्ड होली गार्ड के चक्रवात और उसके डोमेन को काटा था तो साथ ही साथ उसने थर्ड होली गार्ड की दो टुकड़ों की में बॉडी भी कर दी थी। और हमें दिखाया जाता थर्ड होली गार्ड फिर से एक प्रकाश का बीम बनकर सीधे कायर की टनल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है और थोड़ी देर में वापस आकर कहता है, थर्ड होली गार्ड मास्टर की सेवा में हाजिर है, अगर मास्टर पर कोई भी खतरा आता है तो सबसे पहले उस खतरे को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। और फिर से वह एक लाइट बीम बनकर कायर के इटर्नल मेलोडी लॉकेट में चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लेडी वांगी वानी वान की तरफ जो इस समय बेहोश थी और उसके पास हान्यू डुआंगी और लिलिन थे जो अपनी अपनी पावर्स का यूज करके लेडी वांगी वानी वान को हील कर रहे थे। तभी वहां पर जो झांग फांग होता है वह सीधे उन लोगों के पास आता है और उनको लेडी वांगी वानी वान से थोड़ा दूर हटने को कहता है। तभी कायर भी वहां पर पहुंच जाती है तो वहां पर झांग फांग कायर की तरफ देखकर कहता, कैप्टन लेडी वांगी वानी वान से जितना बना उतना किया, अब आगे की लड़ाई आपको स्वयं ही लड़नी होगी, वैसे अगर हम लोग फिर से ठीक हो गए तो हम आपका साथ जरूर देंगे।
और इन सारी बातों को बोलकर वहाँ पर जो झांग फांग होता है उसके माथे से तुरंत खून बहने लगता है। तुरंत वो भी लेडी वांगी वानी वान की बगल में ही गिरकर बेहोश हो जाता है। और इस नज़ारे को देखकर कायर की टीम के सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक थे। किसी को समझ में नहीं आ रहा था, लेडी वांगी वानी वान को माना जा सकता था कि उसने उस डीमन से फाइट किया तो घायल हो गई और बहुत ही ज़्यादा घायल होकर वो बेहोश हो गई, लेकिन ना कर झांग फांग को क्या हुआ जो उसके माथे से खून निकलने लगा और वह तुरंत बेहोश हो गया। सारे लोग जाकर झांग फांग को चेकिंग करते हैं और वहां पर जो हानि होता है वह तुरंत झांग फांग के सामने झुक जाता है और नाइट सलामी देता है और कहता है, झांग फांग तुम काफी ज्यादा ग्रेट। तभी वहां पर कायर की टीम के सारे लोग पहुंचते हैं और सीधे वो लोग हानियों से पूछते हैं, आखिर झांग फांग को क्या हुआ, वो बेहोश कैसे हो गया और उसके माथे से खून कैसा बह रहा है। और वहाँ पर जो कायर होती है वह चिंता करते हुए बोलती है कि आखिर इस झांग फांग को क्या हुआ, इसके माथे से खून क्यों भरा है, क्या ये लोग ठीक तो हैं। तो वहाँ पर हानियो कहता है, इन लोग की जान खतरे से बाहर है पर तुम लोग इसके सामने झुके क्यों हो, आखिर यह हुआ क्या। वहाँ पर जो हानि होता है वह कहता है, इस झांग फांग ने बहुत ही मिस्टीरियस और पावरफुल टेक्निक परफॉर्म की थी और ये जो टेक्निक थी वो बहुत ही साल पुरानी थी, जिसका उपयोग करके कोई बंदा कोई अगर मर रहा है तो अपने जीवन का आधा साल उसे दे सकता था। दरअसल लेडी वांग युवानी ने जब उस आकृति को चलाने के लिए अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी का उपयोग कर दिया था तब वो मरने के कगार पर आ गई थी। तब झांग फांग उसके पास पहुंचा था और इस प्राचीन और मिस्टीरियस टेक्निक को परफॉर्म करके उसने अपने जीवन का आधा जिंदगी लेडी वांग युवानी वान को सौंप दिया। मतलब अगर झांग फांग 100 वर्षों तक जिएगा तो लेडी वांग युवानी वान और झांग फांग की जीवन आधा आधा बढ़ चुका है, मतलब दोनों 50-50 साल जिएंगे। और इस बात को सुनकर वहाँ पर जो कायर होती है वह फिर से उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते क्योंकि लॉन्ग हाउचेन की टीम के सारे मेंबर्स बहुत ही ज्यादा आंतरिक रूप से घायल हो रहे थे। पहले चेनिंगर घायल हो गए, उसके बाद सीमा जियान, अब यहाँ पर लेडी वांग युवानी वान। अगर ऐसा चलता रहा और लॉन्ग हाउचेन अगर जी भी गया तो क्या लॉन्ग हाउचेन अपने आप को माफ कर भी पाएगा या नहीं, क्योंकि उसके साथ ही उसके लिए बहुत ही ज्यादा कुर्बानी दे रहे थे। तभी वहाँ पर जो कायर के सभी साथी होते हैं वह कहते हैं कि कैप्टन ने जो हमारे लिए किया है अगर हम उसके लिए अपनी जान भी दे दे तभी भी कम पड़ सकता है। और वहाँ पर कायर फिर से अपनी आंखों को आंसू को पोंछ दिया। अब केवल एक ही मंजिल बची हुई थी, छठवीं मंजिल। छठवीं मंजिल के बाद था सातवां मंजिल, टावर ऑफ इटर्निटी का। इस समय कायर लॉन्ग हाउचेन को अपनी पीठ से उतारती है और सभी लोगों को कल्टीवेशन करने के लिए भेज देती है। लगभग एक दिन तक आराम करने के बाद वहां पर जो चेनिंगर, सीमा जियान और लेडी वांग युवानी वान को भी होश आ चुका था। अब सारे लोगों की मीटिंग बैठती है जहां पर जो कायर होती है वह सख्त आदेश देती है कि लेडी वांग युवानी वान, सीमा जियान और चेनिंगर इस फाइट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इस बार कायर खुद ही छठवें फ्लोर के सारे टेस्ट को पास करेगी। अभी वहाँ पर जो कायर होती है वह कहती है कि लॉन्ग हाउचेन ने हमें बताया था कि सातवें फ्लोर पर नेक्रोमेंसर एलेक्स की विरासत है और हमें सातवें फ्लोर पर जब पहुँचेंगे तो हम सारे टेस्ट को पास कर चुके होंगे। मतलब अब केवल दो ही होली गार्ड बचे हुए हैं और वो दोनों होली गार्ड सेकंड होली गार्ड और फर्स्ट होली गार्ड हैं और हमें पता चला है कि उनके पास एक बंदे के पास अंधेरे की पावर है और दूसरे के पास प्रकाश की पावर। और वहाँ पर जो कायर होती है वह कहती है कि लिलिन और हानियो तुम लोग अपनी को ज्वाइंट पिल्स का उपयोग करके मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाओगे और मैं इन दोनों से सामना करूंगी। यहाँ पर एक ही बात नहीं होनी चाहिए कि अगर दोनों होली गार्ड एक साथ आ गए तो हमें बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वहाँ पर कायर कुछ देर तक विचार करती है और कहती है, मेरे हिसाब से जो सिक्स फ्लोर पर फर्स्ट होली गार्ड और सेकंड होली गार्ड है वो एक ही साथ आएंगे, अगर वो एक साथ आ गए ना तो हमें बहुत ही ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो गाइस क्या कायर छठवें फ्लोर को पास कर सातवें फ्लोर पर पहुंचकर एलेक्स की नेक्रोमेंसर की विरासत पा पाएगी या नहीं, यह सब जानने के लिए आपको नेक्स्ट एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।